पाकिस्तान के क्वेटा रेलवे स्टेशन पर बम धमाके की खबर सामने आई है। सूत्रों की रिपोर्ट के मुताबिक विस्फोट में कम से कम 4 लोगों की जान गई है और 25 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। पाकिस्तान मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक विस्फोट ट्रेन रवाना होने से पहले टिकट काउंटर के पास भारी भीड़ के बीच हुआ। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज नागपुर दौरे पर रहेंगे। सुबह 11 बजे वो दीक्षा भूमि जाएंगे और दोपहर में 3:30 पर खड़गे तिवसा के लिए रवाना होंगे। तिवसा में वो यशोमती ठाकुर के समर्थन में सभा करेंगे और शाम में उत्तर नागपुर के इंदौरा मैदान में कांग्रेस उम्मीदवार नितिन राउत के लिए प्रचार सभा को संबोधित करेंगे। रांची में 7 जगहों पर आयकर विभाग ने छापे मारे हैं। आपको बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन के निजी सलाहकार सुनील श्रीवास्तव के ठिकानों पर ये छापे मारे गए हैं। MNS राज ठाकरे ने वर्ली में चुनाव प्रचार रैली में कहा है कि अगर महाराष्ट्र में उनकी सरकार आती है तो वो 48 घंटों के भीतर सभी मस्जिदों पर से लाउडस्पीकर हटवा देंगे। हाल ही में आलिया भट्ट अपने बॉडीगार्ड्स के साथ एयरपोर्ट पर स्पॉट की गई। हमेशा की तरह आलिया को देखकर उनके फैंस उनके साथ सेल्फी लेने की हुड में लग गए, जिस कारण आलिया के बॉडीगार्ड ने सेल्फी ले रहे फैन का शर्ट पकड़कर उसे घसीटकर दूर किया। ये देखकर आलिया को काफी गुस्सा आया और उन्होंने अपने बॉडीगार्ड को किसी को भी टच करने से इनकार किया। तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।